न्यूज देखिए बड़ी खबर सोनीपत से। बीके रजौरा पहुंचे सोनीपत हॉस्पिटल, बीके रजौरा सोनीपत हॉस्पिटल पहुंचे, मेडिकल डायरेक्टर हैं बीके रजौरा। सोनीपत हॉस्पिटल पहुंचे सीएमओ और डॉक्टरों के साथ कर रहे हैं मीटिंग। मीटिंग में एनजीओ और आईएनए भी शामिल है। हम उसी सोनीपत की बात कर रहे हैं जहां के ज्यादातर इलाके में कोई मास्क नहीं पहनता, मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर हुई है मीटिंग। वैक्सीनेशन के लिए जिले में 76 कैंप लगाए गए हैं। 11 से 24 अप्रैल तक मनाया जाएगा टीका उत्सव, यानी जितना ज्यादा वैक्सीन लगाया जा सके लगाई जाएगी। ट्रिपल टी फॉर्मूले पर स्वास्थ्य विभाग करेगा काम। ये ट्रिपल टी क्या है देखिए, ट्रैक टेस्ट और ट्रीट से पाएंगे कोरोना पर काबू। बीके रजौरा पहुंचे सोनीपत हॉस्पिटल, बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं। मेडिकल डायरेक्टर है बीके रजौरा। लाजपत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, सोनीपत के लिहाज से इस तरह की कोशिशें बहुत ज्यादा जरूरी है जहां लोग कोरोना के नियमों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। लाजपत, बड़ी एक अजीब प्रशासन के सामने जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उसके सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार सोनीपत में मास्क का जो इस्तेमाल नहीं कर पा रही पब्लिक, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर है वो पहुंचे हैं। और सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार जैसे जैसे कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है। ऐसे में जो लोग लापरवाह हैं, जो कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं और लगातार जो मास्क का ध्यान नहीं दे रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं प्रशासन को टाइट होना होगा और टाइट होकर ही इस कोरोना पर जीता जा सकता है, वरना इस पब्लिक जो है परेशान कर रही है, क्योंकि लगातार जो कोरोना के जो पेशेंट है वो अपने आप को जो मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखते, उनको लेकर अब जो है विभाग लगातार बैठक जारी है, क्योंकि आज स्वास्थ्य विभाग की भी सबसे बड़ी बैठक कही है, क्योंकि डायरेक्टर हैं जो स्वास्थ्य विभाग के वो पहुंचे हैं सोनीपत में ही, क्योंकि सोनीपत जो है जीरो पॉइंट है, जो दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है, हरियाणा का पहला गांव है, शहर है, जो गांव है वे नजदीक है और दिल्ली की जो दहलीज पर जो किसान बैठे हैं उनको ये सामने भी काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं जो जिला सोनीपत है उसमें जो अलग अलग स्टेट से जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं इधर से उधर, जिनका कोविड का जो चेक नहीं करवा पा रहे और कोविड को लेकर काफी बड़ी जो सामना है वो स्वास्थ्य विभाग के सामने है। और स्वास्थ्य विभाग की टीम जो लगातार अपना कार्य कर रही है, क्योंकि टीकाकरण जो लगातार जारी है और जो लोग लापरवाह हैं, जो मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं देते, उन पर कार्रवाई के लिए प्रशासन की लगातार बैठकें जारी है। बात करें तो सोनीपत के डीसी और एसपी वो भी बैठक जारी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार काफी बड़ी चुनौती है, लगातार जो पेशेंट बढ़ रहे हैं वो लगातार बढ़त पर है और जो कोरोना की चपेट में जो लोग आ रहे हैं इनकी लगातार अगर आप बात करें तो आगे जो समय आने वाला है वो और भी टाइट आने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे पेशेंट बढ़ रहे हैं। और उसको लेकर देखिए आप साफ समझ सकते हैं कि जो गर्मी का वक्त होता है उस टाइम डेंगू और मलेरिया की जो प्रकोप होता है, बुखार का प्रकोप होता है, जिनको ये बीमारी होती है उनको, उन पर जो कोरोना पूर्ण तरीके से अटैक करता है और उसकी वजह से जो चपेट में आते हैं जो लोग कोरोना के पेशेंट हो जाते हैं, तो ये काफी बड़ी चिंता का विषय है। और लगातार जैसे कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं देश के सामने काफी बड़ी चुनौती है। हम हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से लोगों से अपील करते हैं कि आप सुरक्षित रखें, अपने आप घर को सुरक्षित रखें, आप भीड़ में न जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का ध्यान रखें, क्योंकि लगातार जैसे मरीज बढ़ रहे हैं तो आप अपने घर के लिए आफत बन सकते हैं, अपने परिवार के लिए आफत बन सकते हैं, जहां जहां आप मिलेंगे वहीं वहीं आपके लिए आफत बन सकते हैं, क्योंकि जो कोरोना की बीमारी छोटी बीमारी नहीं है, काफी बड़ी बीमारी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार ने जब लॉकडाउन किया था तो कितनी बड़ी समस्या हुई थी। आज जनता से फिर से अपील, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ऐसे ही देश को चलने दें तो आप अपने आप को सुरक्षित रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का ध्यान रखें, वरना सरकार को बड़ा ठोस कदम उठाना पड़ सकता है, लॉकडाउन दोबारा करना पड़ सकता है। सरकार की मजबूरी होगी कि सभी लोगों की जान जो सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तो ऐसे में जो लोग लापरवाह है उनसे अपील लगातार हरियाणा न्यूज की टीम लगातार कर रही है। तो ऐसे में लोग जो जागरूकता की जरूरत है, जो लोगों को पहचानने की जरूरत है, उन लोगों की जरूरत है, क्योंकि जैसे कि आप बात कर रहे हैं सोनीपत की, सोनीपत से एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता है कोरोना का। बड़ा ब्लास्ट इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर जो अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर रहते हैं और वो लोग यहाँ से भाग रहे हैं, बसों में प्राइवेट बसों के जो माफिया है, जो कि माफिया उनको कहेंगे
कुछ लोगों के अंदर दहशत फैल रही है कि कोरोना की वजह से दोबारा से लॉकडाउन हो सकता है, और जो प्राइवेट बसें हैं या उनके जो दलाल हैं वो एक लोगों में दहशत फैलाकर उनको भगाने में कामयाब है। लेकिन प्रशासन को जल्द आगे आना चाहिए ताकि इन प्राइवेट बसों पर रोक लगे और उन दलालों को पकड़ा जाए, ताकि लोगों को जो जागरूकता मिले और इसमें कहीं ना कहीं बहुत शुक्रिया इस विस्तृत जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। लाजपत नजर बनाए रखें।